अच्छी बातें सिखाने के बजाय वो क्या सिखा रहे हैं, एक हाथ में तुम बम ले लो, एक हाथ में कुरान ले लो, मतलब बदनाम, वो किताब को भी बदनाम कर रहे हैं, अपनी ही किताब को बदनाम कर रहे हैं, मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे काम है इनके। बॉर्डर पे खड़े हुए लोग वही स्वागत करेंगे कि कहां से आ रहा है, उड़ के आ रहा है कि चल के आ रहा है कि पानी से आ रहा है। बॉर्डर पे सेना खड़ी हुई है और मोदी जी ने फ्री होल्ड दे रखा है, जरा संख्या हो तो उड़ा दो। और हमारे सैनिक वहां बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि कब मोदी जी ऑर्डर करे और उनका प्लांट हम अपने घर में लगा ले। वहां की लड़कियां तो कहती है हिंदुस्तानी लड़के बहुत अच्छे होते हैं, काश मौका मिला तो शादी करूंगी, ऐसा तो चीज है। कल भी था ससुराल और आज भी रहेगा ससुराल, और वो है नेपाल। जब तक इस देश में कांग्रेस पार्टी फल फूल रही थी, जीवित थी, ऑक्सीजन थी, तब तक पाकिस्तान फल फूल रहा था। गाइडेड मिसाइलें चल रही हैं, एक निशाना लगाएंगे तो मौलाना जहाँ पे तुम बैठे हुई उड़ा दिया जाएगा। वो IMF है जो तुम्हें लोन दे सकता है, उड़ा भी सकता है। मोदी तो वो व्यक्ति है जिसने 200 करोड़ अफगानिस्तान को भी दिया इस बजट में। देखो मैडम, भूटान को 2400 करोड़, श्रीलंका को, पड़ोसी मुल्कों को, हमने पड़ोसी देशों को कितना करोड़ों बांटा है। राजस्थान में 38,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने, क्या वो डिनाई कर सकते हैं? सोलर पैनल पे, ग्रीन एनर्जी पे सबसे बड़ा काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्या किसी की हिम्मत है कि वो मतलब कुरान के बारे में कुछ बोल के दिखाए, बाइबल के बारे में कुछ बोल के दिखाए, क्या किसी की हिम्मत है ऐसी? पाकिस्तान के नेता साद रिजवी ने ये बयान दिया कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में एटम बम, फिर देखो कौन कर्ज नहीं देता। ये धमकी वो किसको दे रहे थे, क्या लगता है इससे, इस पर आपकी क्या राय है? उनके पास अब तो कुछ बचा नहीं है, वैसे भी उनके लिए खाने तक नहीं पड़े, लाले पड़े हैं, तो सोच रहे हैं कि देश में भीख मांगने का कोई और तरीका नहीं है, तो एक हाथ में बम ले लो, एक हाथ में ये कुरान ले लो, ठीक है ना। उनके पास और कुछ नहीं बचा हुआ है, उनके पास यही है, अगर ऐसे न माने तो ऐसे मनाओ ताकि डर के मारे दे दे लोग, इसीलिए वो ये काम अपना धंधा अपना रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत करें मत, वैसे बर्बादी के कारण पे खड़े हुए हैं, वहाँ के लोग खाने के लिए तरस रहे हैं और वो सिखा रहे हैं, अच्छी बातें सिखाने के बजाय वो क्या सिखा रहे हैं, एक हाथ में तुम बम ले लो, एक हाथ में कुरान ले लो, मतलब बदनाम, वो किताब को भी बदनाम कर रहे हैं, अपनी ही किताब को बदनाम कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना, गलत है कि नहीं गलत है? ऐसे तो कोई भी इंसान है, भैया पहले मारूंगा, मार के डर के मारे तो कोई भी खाना दे देगा, कोई भी कुछ कर देगा। तो ऐसे काम क्यों ना करो, मेहनत करो ना, ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो? अरे भैया तुम ऐसे काम कर चुके हो ताकि तुम्हें कोई कर्ज देने के भी तैयार नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वह कहते हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऐसे काम है इनके। तो इस वजह से उनको कोई कर्ज क्या, उनको फूटी ओढ़ी नहीं देगा। अब ऐसे भी मोदी जी ने मारे क्या क्या, ये तो ऐसे सुधरेंगे नहीं, ऐसे सुधरे नहीं, ऐसा उनको उन्होंने नोटबंदी का काम किया कि उनकी कमर ही टूट गई, ऐसी कमर टूटी कि उनको, आप पहले आतंक फैलाते थे, कहीं भी चले जाओ बम फोड़वाते थे, पूरे वर्ल्ड में फोड़वाते थे, पर हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा फोड़वाते थे, तो इसलिए उनकी कमर गई टूट। उनके बयान से डर लग रहा है कि हिंदुस्तान वालों को या किसी को भी लगना चाहिए आपके हिसाब से? अरे यार, वो जब से पहले आए तो उनसे पहले तो हमारे सैनिक स्वागत कर लेंगे, उनका सैनिक स्वागत, बॉर्डर पे खड़े हुए लोग वही स्वागत करेंगे कि कहां से आ रहा है, उड़ के आ रहा है कि चल के आ रहा है कि पानी से आ रहा है, ठीक है ना। तो पानी में जाएंगे तो पता नहीं कब पनडुब्बी निकले और उनको उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए बॉर्डर पे सेना खड़ी हुई है और मोदी जी ने फ्री होल्ड दे रखा है, जरा संख्या हो तो उड़ा दो। जब ऐसे नेता बयान देते हैं तो भारत के मुसलमान आहत नहीं होते, लेकिन जब बाबा रामदेव ने इतना कहा कि नमाज पढ़ने के बाद मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम्हें जो करना है करो, तब तो सब आहत हो गए। ये दोगली राजनीति नहीं लगती, ये दो लोग कैसे? बिल्कुल दोगली लगती है, बिल्कुल दोगली है। और मैं तो यहाँ के रहने वाले भाइयों को यही कहूंगा कि कहीं इन लोगों के गलत विचारों में मत पड़ना, हिंदुस्तान में रह रहे हो हिंदुस्तान से प्यार करना, और गलत इन लोगों के आने कहने में ना पड़ जाना, नहीं तो पता लगे तुम्हारे ऊपर भी गाज गिर गई। परमाणु से डर लग रहा है क्या, पाकिस्तान से डर लग रहा है? अरे यार, उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो कुछ दिन बाद परमाणु बेच देंगे हमारे को, परमाणु बेचने वाले हैं। और हमारे सैनिक वहां बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि कब मोदी जी ऑर्डर करे और उनका प्लांट हम अपने घर में लगा ले, हाँ पूरा यहाँ लगा ले, हमें दिल्ली में आ जाएगा क्या? फिर उसके बाद कुछ दिनों में सारे देश ने कह दिया है पाकिस्तान को कि भैया सुधर जाओ, ऐसा पीओ के हिंदुस्तान को दे दो, नहीं तो पता लगा कि पाकिस्तान की जमीनें भी ले ली। पाकिस्तान को लोगों को नहीं चाहिए, वहाँ की जमीन चाहिए, वहाँ यहाँ पे नहीं तो और आके आतंक बना देंगे वो, क्योंकि पता क्या कहते हैं, मुंह में छुरी बगल में राम वाली कहानी हो जाएगी उनका। खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, बहुत
बहुत सही बात कहा, खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे वो वाली उनकी बात है। अब वो एक बंदा ने क्या कहा कि भाई 150 रुपया किलो आटा है, तो उसने क्या कहा मैं आटा तो नहीं खरीदूंगा, अब मैं ऐसा है मैं मछली खा लूंगा। अब मछली मानने गया तो मछली उसका चारा खा गई, अब क्या करेंगे इससे आगे, क्या बोलेंगे चारा समझ जाओ क्या था, खा गई बेचारे का चारा, वो बेकार हो चुका है अब तो। ऐसा इनका कहानी है, पाकिस्तान हल्की हल्की छोटा छोटा डर बना रहा है, डर तो रहा है, कोई डर रहा है लग रहा है। अरे यार डर कहाँ रहे, लोग तालियां बजाए, खूब नारेबाजी लगी कि यही होगा, लग रहा है ऐसा होगा। पाकिस्तान के लोग पता क्या कह रहे हैं अब, आजकल यही कह रहे हैं हिंदुस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ की आवाम बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ का गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। वहाँ की लड़कियां तो कहती है हिंदुस्तानी लड़के बहुत अच्छे होते हैं, काश मौका मिला तो शादी करूंगी, ऐसा तो चीज है। आप ओ अच्छे लड़के, अच्छे घरों की पढ़ी लिखी लड़कियां ऐसा सोच रखती हैं, ऐसा सोच रखती हैं, और तुम्हें क्या समझाए, तुम तो ना समझ ही हो, और दूसरों को ना समझी समझाते हो, वहाँ के लोगों को, जनता को, वहाँ के आवाम को बेवकूफ़ बनाते हो। यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे, ना पूरे हिंदुस्तान के, ना पूरे वर्ल्ड को बेवकूफ़ बना पाओगे। भारत से क्यों जल रहा है, पूरा पाकिस्तान क्यों जल रहा है आपके हिसाब से? और किससे जलेगा, उनके अंदर जलन इतनी भरी पड़ी कि वो जल के राख हो जाएंगे किसी दिन, और बचेगा कुछ नहीं। क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा उनके पास, जलने के अलावा कुछ ही नहीं बचेगा। वो अपने अंदर आग ही इतने भरे पड़े हैं कि वो खुद ही जल जाएं, क्योंकि बॉर्डर पे जाएंगे तो क्या पता लगे आग क्या इतने गोले बरसेंगे कि वो कहीं लाइक नहीं रह जाएंगे। आसपास के जितने भी मुल्क हैं वहाँ भारत की वाहवाही हो रही है, अभी नेपाल से शालीग्राम आए आपने देखा। क्या बात कही आपने, राम जी का साली पत्थर आया, वो ससुराल से ही तो आया है, ससुराल से ही तो आया, कहीं और से नहीं आया। हाँ, जनकपुर ससुराल जो अपना नेपाल में है, कल भी था ससुराल और आज भी रहेगा ससुराल, और वो है नेपाल। खुलकर नेपाल से भारत में कोई रामलला के दर्शन हम सब कर पाएंगे, नेपाल से यहाँ पर शीला आ गई, आपको क्या लगता है ये मोदी जी या बीजेपी के कारण हो पाया है? ये हो जाता, ये प्रभु राम की कृपा थी और हनुमान की कृपा थी, जो ऐसे कुछ लोग खड़े हुए और उसको मुमकिन करके दिखा दिए। ऐसा चीज है, ये भगवान की ही कृपा थी जो आज हमने करके दिखाया है, और हमारी जनता ने, हमारी आपकी भावना थी कि राम जी का ससुराल से कोई चीज आए और उसे स्वागत किया जाए। आज उस शिला को देख के लोग पूजा कर रहे हैं और रो रहे हैं कि यार इतनी बढ़िया बात तो पहले कभी हुई होती तो आज हमारा देश और भी आगे चला जाता। पहले क्यों नहीं हुआ होगा ऐसा? ऐसे इसलिए पहले सेकुलर सरकारें थी, वो पाकिस्तान को पूजा करती थी। आपके चैनल के पे बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ TNN वर्ल्ड पे, जब तक इस देश में कांग्रेस पार्टी फल फूल रही थी, जीवित थी, ऑक्सीजन थी, तब तक पाकिस्तान फल फूल रहा था। जब से मोदी जी आए, नोटबंदी की, पाकिस्तान का आतंकवाद ख़त्म, 26/11 जैसे हमले बंद, सारी आतंकी फैक्ट्रियां बंद, इंडियन मुजाहिदीन समाप्त, और ये मोहम्मद साहब के नाम से आतंकी संगठन चलाते थे जैश ए मोहम्मद, उन सब पे ताले लग चुके हैं। आजकल वो जो हाफिज सईद था वो भी कहीं नज़रबंद है, दाऊद इब्राहिम का डॉन पना निकल चुका है, और इस्लाम के नाम पे बने आतंकवादी मुल्क पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। उसकी जो रुपीज़ है डॉलर के मुकाबले 220 रुपये हो गया है, आटा 150 से ऊपर मिल रहा है, 250 हो गया, 250 आ गया है, और चलो 260 आ गया, तो मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो पाकिस्तान बर्बादी की कगार पे, इस्लाम के नाम पे अब ये दुनिया को धमकाना चाहते हैं, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में बम, एक हाथ में एटम बम लेके जाओ IMF के पास तो वो कैसे नहीं देता। मतलब तुमने मूर्ख मौलाना हो, तुमने सबको मूर्ख मान लिया है भाई साहब। यहाँ पे गाइडेड मिसाइलें चल रही हैं, एक निशाना लगाएंगे तो मौलाना जहाँ पे तुम बैठे हुई उड़ा दिया जाएगा। वो IMF है जो तुम्हें लोन दे सकता है, उड़ा भी सकता है। तो किसी को धमकी देने से पहले वो भी इस्लाम के नाम पे सोच के बात किया करो, नहीं तो किताब समेत ही उड़ जाओगे। फिर पूरी दुनिया में कहोगे इस्लामोफोबिया हो गया, अरे भाई इस्लाम के बंदों को मार दिया। तो बात ये है, इस्लाम के नाम पे अगर आतंकी मुल्क बनाए तो उसका हाल देख लो। भारत के 90% मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था, जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया। कुछ लोग कहते हैं इस देश की आज़ादी में हमारा भी हाथ है, तो आज़ाद करके तुमने पाकिस्तान और बांग्लादेश ले लिया, अब भुगतो भुखमरी। मोदी तो वो व्यक्ति है जिसने 200 करोड़ अफगानिस्तान को भी दिया इस बजट में, देखो मैडम, भूटान को 2400 करोड़, श्रीलंका को, पड़ोसी मुल्कों को, हमने पड़ोसी देशों को कितना करोड़ों बांटा है। और कुछ लोग कहते हैं भुखमरी है, बेरोजगारी है, भाई साहब 2024 तक मोदी सरकार ने
राशन 80 करोड़ लोगों को जो दिया जा रहा था वो कंटिन्यू रखा है। 220 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के 5 काम बताओ जिससे आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो, तो भैया मेरे देश में अब आतंकवाद नहीं है। पहले आतंकी आते थे, अब उनके हाथ में कटोरा है, भीख मांग रहे हैं। पहले आतंकी आते थे यहाँ पे, बम फोड़ते थे, दिल्ली के कनॉट प्लेस में लाउड स्पीकर लगा होता था, लावारिस वस्तु को हाथ ना लगाए, सरोजनी नगर में ब्लास्ट होते थे, करोल बाग में ब्लास्ट होते थे, लाजपत नगर में ब्लास्ट होते थे, अब वो बंद हो गया। पहला प्रत्यक्ष हमें फ़ायदा ये हुआ। दूसरा, दो दो वैक्सीनेशन, तीन तीन वैक्सीनेशन मुफ्त में लगी। दूसरा, आयुष्मान कार्ड बना, जितना भी इलाज होएगा वहाँ से करवाओ। जनधन योजना है, उसके अलावा उज्ज्वला योजना है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे में सफाई है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया, कंबल एकदम क्लीन मिले मुझे, सब कुछ मिला, एकदम नीट मिला, और वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था इतनी थी, माताएं बहनें एकदम खुश थी, कोई चोरी चकारी नहीं थी। फिर आ जाओ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया। अब मैं यहाँ से जैसे मुझे हरिद्वार जाना है या पंजाब की साइड में कहीं भी जाऊँ हाईवे पे, या अभी मैं कर्नाटक में था, इतने बेस्ट रोड बना दिए हैं, यहाँ तक कि कुछ ही घंटों में हम मुंबई तक भी पहुंच जाएंगे, दिल्ली मुंबई हाईवे भी बन रहा है। लेकिन ये तो सरकार का काम है ही ना करना। पर पहले कांग्रेस की सरकारों ने नहीं किया, भ्रष्टाचार ज्यादा किया, 2G घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, इन्होंने सब जगह घोटाला किया। आज भी राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे घूम रहे। मैडम, पहली ऐसी कांग्रेस पार्टी है जिसने चाइना के साथ MOU साइन किया था, और 80 करोड़ पता नहीं कितने हजार करोड़ चाइना ने कांग्रेस पार्टी की राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया, उससे सैलरी बांटा करते थे, देश में एजेंडा चलता था। कांग्रेस वाले आज भी इंटरनेशनल टूल किट को प्रमोट करते हैं, BBC डॉक्यूमेंट्री को प्रमोट करते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 दंगों पे मोदी जी को वो छूट दे दिया। क्या राहुल गांधी डिनाई कर सकते हैं कि वो नेशनल हेराल्ड केस में मतलब बेल पे नहीं है? क्या उनके नेशनल हेराल्ड पे और यंग इंडिया पे ताला नहीं लगा, वो डिनाई कर सकते? और एक बात, ये भारत के उद्योगपतियों को अपमानित कर रहे हैं, विदेशी इन्हें समझ आते हैं। भारत के स्वदेशी जो उद्योगपति है, अडानी है, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, ये कितने रोजगार उत्पन्न कराते हैं, उनके खिलाफ कॉन्स्परेसी कर रहे हैं। राजस्थान में 38,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया अडानी ने, क्या वो डिनाई कर सकते हैं? क्या अशोक गहलोत के साथ उसके फोटो वीडियो वायरल नहीं है? 2022 सितंबर की न्यूज़ है मैडम, 38,000 करोड़। और सोलर पैनल पे, ग्रीन एनर्जी पे सबसे बड़ा काम अडानी और अंबानी कर रहे हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं कि हमें किसी की गैस पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, जो हम आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उस पर निर्भर ना होना पड़े, क्योंकि सबसे बड़ा भार यही है। एक तो मुफ्त में दो, सब्सिडाइज करके दो, ऊपर से विदेश से महंगा लेके आओ, तो महंगाई तो बढ़ेगी भैया। आपने सबसे पहले बोला सेकुलरिज्म, सबसे पहली बात तो सेकुलरिज्म से क्या दिक्कत है, हिंदुओं को क्या दिक्कत होती है आपके साथ? हिंदुओं पे देखिए, सेकुलरिज्म का पाठ यहाँ पढ़ाया जाता है हिंदुओं को, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुसंख्यक है। अभी एयरपोर्ट पे आप अभी हमारे क्रिकेटरों को देखे होंगे, सब निकल रहे थे, तो एक महिला ने लोगों को स्वागत में चंदन लगा रही थी। तो भाई, जब सेकुलरिज्म, हमारा सेकुलर देश है, सेकुलर मानने वाले का, प्रमोट करने वाला देश है, तो आप जो है एक्सेप्ट क्यों नहीं किए? तिलक नहीं लगाया मोहम्मद सिराज और उमरान मलिक ने, तिलक नहीं लगाया, उसकी बात कर रहे हैं आप, राइट? जी जी। तो सर, वो मुसलमान है, आप टोपी पहन लेंगे? देखिए, मैं अगर उनका पॉइंट रखूं, उनका पॉइंट देखिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। अभी हमारे जो क्रिकेटर है, वो गौतम गंभीर हो, जो भी है, सारे लोग जाके चादर चढ़ाते हैं। जो पक्ष में बात कर रहे थे, मैंने वो कोट करा आपको, कि जो जो उनके सपोर्ट में बोल रहे थे कि इस तरीके, सुनिए, वो जाते हैं चादर चढ़ाते हैं, हमारे क्रिकेटर जो हिंदू क्रिकेटर है, ठीक है, वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। जब वो क्रिकेटर उसी लेवल के लोग उनके साथ निकल रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, उनको माथे पे चंदन नहीं एक्सेप्ट था, हाथ पे लगा के एक्सेप्ट किए होते, ये भी हो सकता था पॉसिबल, मगर नहीं, वो लोग वहाँ ग्राउंड में मतलब आजान करेंगे, मतलब वो करेंगे, अपने प्रेयर करेंगे। पर यहाँ सेकुलरिज्म सिर्फ हिंदुओं को पढ़ाया जाता है, तो ऐसे ऐसे नहीं चलता। अब वो जमाना लद गया जब सिर्फ हिंदुओं को सेकुलर बनाया जाता था, और बाकी ये लोग अपना तेजी से विस्तार कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये जब 50% के ऊपर आ जाएंगे, तो ये हिंदुओं को फिर तेजी से काटना मारना चालू करेंगे। इनका यही इरादा है, चाहे इनका IITian हो, चाहे जितना बड़ा, गोरखपुर में जो आतंकी हमला किया था मंदिर पे, IITian था, और जो US में टेररिस्ट मारा गया था, वो भी जो है एक बड़े लेवल इंजीनियर था। तो ये इनकी जो मानसिकता, चाहे जितने पढ़े लिखे हों, चाहे अंगूठा छाप हों,
तो इनकी मानसिकता साफ है हमेशा आतंकवादी। आईएमएफ से एक हाथ में नमाज और एक मतलब कुरान, में कुरान और एक हाथ में एटम बम का ये बयान जारी इनका हुआ। नक्शा ही खत्म हो जाएगा वहाँ। यूएस से बैठे बैठे एक एक मिसाइल छोड़ेंगे वो लोग आईएमएफ द्वारा या यूएस सरकार द्वारा, तो इनका नक्शा ही खत्म नहीं हो जाएगा कि पाकिस्तान था कहाँ। और फिर ये लोग समझ नहीं, ये अब जो है अफगानिस्तान जो वहाँ वहाँ की जैसे जो लोग हैं वो वाली भाषा बोल रहे हैं, तो इनका ज़्यादा दिन तक वजूद नहीं है। ये कितने दिन का वजूद बचा है? मैम सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो माहौल चल रहा है यहाँ भगत सिंह सरकार नरेंद्र शास्त्री और बाबा रामदेव को निशाना बनाना चाह रहा है। अच्छा। तो मैं एक हालिया आपका इंसिडेंट बता दूँ, अभी मुकेश अंबानी की लड़की की शादी हुई है, बॉलीवुड के सारे किरदार वहाँ पहुँचे थे और मुकेश अंबानी ने उनको ऑर्डर दिया, पता है क्या, कि आप लोग यहाँ पहुँचे हुए गेस्टों को खाना खिलाओगे, ये उनकी औकात है। क्या मुकेश अंबानी की औकात है कि बाबा रामदेव कह दें कि आप यहाँ के हमारे गेस्टों को खाना खिलाओ? नहीं है ना, ये औकात अगर नहीं है ना तो यही एक बहुत बड़ा जो गैप है ना वो हमारे सनातन धर्म और एक बॉलीवुड के भांडों के बीच में आता है। बॉलीवुड के भांड कहता हूँ मैं, और भांड का जो मतलब होता है आपने मीडिया के माध्यम से बताइएगा, भांड का मतलब होता है नाचने गाने वाला एक आदमी जिसका काम होता है कि हम नाचेंगे गाएंगे पैसा कमाएंगे। तो ये हमारे धर्म के ऊपर जब आवाज़ उठाएंगे ना, हमारे धर्म को जब कुठाराघात करेंगे, तो हमारा जवाब इनके ऊपर यही होगा कि आप एक दो कौड़ी के भांड हो ना, तो आप खुद को धर्म से दूर रखो, ठीक है ना। जो धर्म को बचाने के लिए हैं वो धर्म के साथ खड़े हैं, आप खुद को अपने आप पैसा कमाओ एंजॉय करो आपको जो। रामदेव बाबा ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि मुसलमानों को कहा जाता है आप कुरान पढ़ो उसके बाद कुछ भी करो, उस बयान से हर मुसलमान की भावना आहत हुई, लेकिन एटम बम और कुरान से आहत नहीं हुआ, ये दो बातें कैसे? देखिए सदियों सदियों से इस देश के अंदर कुरान पढ़ी जा रही है, बाइबल पढ़ी जा रही है, हमारी तो भावना आहत नहीं हुई कुरान पढ़ने से नहीं हुई और बाइबल पढ़ने से नहीं हुई। कुठाराघात केवल हिंदू धर्म के ऊपर क्यों होता है? रामचरितमानस पर भी हाल ही में समाजवादी पार्टी ने उठाए गए, क्या किसी की हिम्मत है कि वो मतलब कुरान के बारे में कुछ बोल के दिखाए, बाइबल के बारे में कुछ बोल के दिखाए? क्या किसी की हिम्मत है ऐसी? अगर बोले, अगर उनका अगर सर बच गया तो हम भी उनको सलाम करेंगे, ठीक है ना। तो हिंदू जागृत हो रहा है, अपने धर्म के लिए हम खड़े हैं, अपने धर्म के लिए बोलने का अधिकार हमें भी है। जब कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं, यहाँ कह रहे हैं हिंदू इतने खुलकर नहीं बात कर रहे, तो कि कहाँ पर ये डर और ये लाइन कहाँ पर खुल? मैम देखिए ये जो है ना, ये आप ही ऐसे मीडिया वाले कुछ हमारे बंधु हैं जो पैसा कह बोलते हैं मुसलमान डरा हुआ है। मुसलमान तो आप किसी मुसलमान से पूछ लो जो पढ़ा लिखा है, उनसे ये पूछ लो कि सबसे, हाँ उनसे आप पूछ लो कि सबसे अच्छी धरती आपके रहने लायक कौन सी है, तो एक ही नाम लेगा, एक ही नाम लेगा, एक ही नाम लेगा जिसका नाम है हिंदुस्तान।